मदरसा की तरफ से जो बच्चों का प्रोग्राम रखा गया था ये उसकी आखिरी कड़ी थी। अब मदरसा की तरफ से बच्चों के लिए खास ऐलान के बाद इनाम को तकसीम किया जाएगा। उसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना अख्तर के मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफीज़ होने का मौका मिलेगा और जनाब मौलाना बिलाल साहब की दुआ पर जलसे का ख़त्म होगा। तो सारे हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जलसा के ख़त्म तक अपने आप को जो है बरकरार रखे और बच्चों की हिम्मत अफजाई में ज़्यादती फरमाए। ऐलानात मदरसा की यह है कि मदरसा की छुट्टी 2 अप्रैल से 1 जून तक रहेगी और बच्चों को कल बरोज़ पीर अपने अपने वक्त में मदरसा में हाज़िरी देनी है। उमूमी इनाम क्लास में ही दिया जाएगा। साल आइंदा अगर कोई बच्चा पूरा साल एक भी गैर हाज़िरी नहीं करेगा उसको मदरसा एक बड़े गिफ्ट से हिम्मत अफजाई करेगा। बच्चों के लिए नए दाखिले के लिए 2 अप्रैल तक मदरसा से फार्म हासिल करें। एडमिशन 1 जून को होगा। तादाद पूरी होने के बाद दरमियाने साल में दाखिला ना होगा। फार्म फीस 50 रुपया है और एडमिशन फीस 250 रुपया है। साल आइंदा चूँकि स्कूल अपने टाइम पर खुल जाएंगे मदरसा भी सुबह दोपहर शाम अपने वक्त पर ही रहेगा। मदरसे का वक्त बच्चों को जो कैलेंडर दिया गया है उसमें दर्ज है। लिहाजा जो बच्चे साल आइंदा आने वाले हैं वो अपनी स्कूल और ट्यूशन के वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मदरसा का वक्त तय करें ताकि मदरसा का नुकसान ना हो। साल आइंदा KG अव्वल दोम की फ़ीस 200 रुपया ही रहेगी। सोम चारुम हसब मामूल 250 रुपया ही रहेगी। पंजुम और ششم की फ़ीस 300 रुपया होगी। मोहज़्ज़द सामी ने किराम ये फीस नहीं हमारी आखिरत की खेती है, इसलिए कि दुनिया के पीछे लगाया हुआ माल हमारे लिए अफसोस का बाइस बनेगा और इल्म दीन के पीछे लगा हुआ माल हमारी नजात का ज़रिया होगा। अब बिला तकल्लुफ़ और बिला कील काल के हम अपने फारिग होने वाले बच्चों को सबसे पहले इनाम तकसीम करते हैं। सबसे पहले मैं लड़कों को मदऊ करता हूँ। जाहिद ज़ुबैर हुसैन सिद्दीकी, अमान वसीक खान, मौज़म ज़ुबैर मुल्ला, रैयान आरिफ अंसारी। लाइन से जैसे नाम लिया गया है वैसे ही खड़े रहे ताकि जो है हर एक का इनाम उसके हाथ में पहुँच सके। इन बच्चों को सर्टिफिकेट और कुरान मजीद मौलाना अख्तर साहब के हाथ से दिया जाएगा और उनका गिफ्ट मौलाना बिलाल साहब के हाथ से दिया जाएगा। अमान वसीक खान खड़े रहो खड़े रहो। मौज़म ज़ुबैर मुल्ला, रैयान आरिफ अंसारी। अब इन्हीं बच्चों को मौलाना बिलाल के हाथ से गिफ्ट दिया जाएगा। जाहिद ज़ुबैर फरागत हासिल करने वाली ज़ैनब बरकतुल्ला मोमिन, उनको सर्टिफिकेट और कुरान जनाब हाजी हयातुल्ला साहब के हाथ से दिया जाएगा। हाजी हयातुल्ला साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। ज़ैनब स्टेज पर तशरीफ ले आए। करीना फातिमा अब्दुल कलीम रुकना
करीना फातिमा, कुलसुम फैयाज अंसारी, और उनको गिफ्ट हाफिज अब्दुल अजीज के हाथ से दिया जाएगा। हाफिज अब्दुल अजीज साहब ऊपर आ जाए। कुरान ऊपर रख लो, गिफ्ट नीचे रख लो। कुरान ऊपर रख लो, गिफ्ट नीचे रखो। माशाअल्लाह, ये वो बच्चे, खुश नसीब बच्चे थे जिन्होंने इस साल मदरसे को कायम होने के बाद पहली मर्तबा ख़त्म कुरान का शर्फ हासिल किया। अब मदरसा फुरकानिया के उन खुश नसीब बच्चों में इनाम तकसीम होगा जिन्होंने अपनी हर करेजी से पूरी जमात अव्वल और दोम नंबर हासिल किया और पूरी जमात में अपने आप को एजाज़ हासिल करने का लायक बनाया। हमारे मदरसा में केजी से लेकर कुरान शरीफ ख़त्म करने तक पूरा निसाब और सिलेबस बनाया गया है जिसमें बच्चों को कुरान की तालीम के साथ सीरतुन्नबी के लिए दीनी तालीम, ज़रूरी मसाल के लिए तालीमुल इस्लाम के मुकम्मल चार हिस्से पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा दीनियात में हिफ्ज़ सूर, हिफ्ज़ यासीन और तबारक अल्लज़ी और अदिया मासूरा, अहादीस असमय हुस्ना और वज़ू नमाज के ज़रूरी मसाइल हिफ्ज़ याद कराए जाते हैं। बच्चों की अच्छी तालीम के लिए बच्चे का वक्त के पाबंदी के साथ मदरसा में हाजिर होना ज़रूरी है। अब हम उन खुश नसीब बच्चों में सबसे पहले शशुम क्लास के अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाली बच्ची करीना फातिमा को मधु करते हैं। वो आए और अपना इनाम अजीज़ुल इस्लाम भाई के हाथ से हासिल करें। और दोम नंबर का इनाम अजीज़ुल इस्लाम भाई कुलसुम बिनते फैयाज अंसारी को, दो नंबर का इनाम कुलसुम बिनते फैयाज अंसारी को भी अजीज़ुल इस्लाम भाई के हाथों से दिया जाएगा। क्लास पंजुम, क्लास पंजुम में अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले अम्मार इब्ने अनवर अंसारी है। और दोम नंबर पर कामयाब होने वाले जैद इब्ने हंजला कुरैशी है। दोनों को अब्दुल कलीम भाई के हाथ से, अब्दुल कलीम भाई के हाथ से इनाम दिया जाएगा। चारुम क्लास का इनाम खलील जनाब के हाथ से दिया जाएगा। खलील जनाब ऊपर आ जाए। अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाली तालिबा है नाफिया बिनते अजीज़ुर रहमान अंसारी और दोम नंबर पर कामयाबी हासिल की है रुश्दा बिनते ज़ियाउर रहमान खान ने। इनको जनाब खलील जनाब के हाथ से इनाम दिया जाएगा। माशाअल्लाह। अब क्लास सोम की बच्चियों को इनाम दिया जाएगा मंसूर भाई के हाथ से। मौलाना अकील साहब के हाथ से दिया जाएगा, जाकिर साहब। अव्वल नंबर पर कामयाब हुई है फौजिया सबकतुल्ला शेख। और दो नंबर पर कामयाबी हासिल की मसीरा बिनते इमरान खान ने। क्लास दोम का इनाम दिया जाएगा अंजर भाई के हाथ से। अंजर भाई ऊपर तशरीफ ले आए। अव्वल नंबर पर कामयाबी हासिल की अब्दुल कुद्दूस अब्दुल कलीम छिपी ने और दोम नंबर पर कामयाबी हासिल की अयान इमरान खान ने।
बच्चे का। अव्वल क्लास का इनाम दिया जाएगा हाफिज अनवर के हाथ से। अव्वल नंबर पर है इकरा जुबेर शेख और दो नंबर हासिल किया यूसुफ अनवर अंसारी ने। ये इकरा केजी क्लास को इनाम दिया जाएगा इमाम फुरकान या हाफिज मोहम्मद शफीक के हाथ में। बच्चे का नाम है जुनेद असलम शेख जिन्होंने पहला नंबर हासिल किया है और दूसरा नंबर हासिल किया अर्श मुख्तार खान। अर्श मुख्तार खान और जुनेद असलम शेख, जुनेद असलम शेख, जुनेद असलम शेख, जुनेद असलम शेख, जुनेद असलम। लेकिन आप हजरात जानते हैं बच्चों को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए और गुलशन के इन फूलों में महक पैदा करने के लिए जो जिद्दोजहद और मेहनत और कोशिश की है वो है इनके असातिज़ा, इनके मुअल्लिमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया ने मुअल्लिमीन के लिए भी इनामात का इंतज़ाम किया है। तो असातिज़ा में हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब को इनाम देंगे, हज़रत मौलाना कारी रहीमुद्दीन साहब, कारी रहीमुद्दीन साहब के हाथों से मौलाना सलमान साहब को इनाम दिया जा रहा है। दूसरे उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब को कारी रहीमुद्दीन साहब के हाथों से इनाम दिया जाएगा। हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब ये मदरसे के वासादजा हैं जिनकी मेहनतों के नतीजे में बच्चों मैंने ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया है। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, इनको बेहतरीन नियामल बदल आता फरमाए।